ऑल राइट चलिए जी, अब आप इस सिनेरियो के लिहाज से आपको क्या लगता है? ये जो रेशनैलिटी की मैंने डेफिनेशन आपको कही, उस लिहाज से रेशनल है या नहीं है? अगर आपको लगता है यस तो क्यों लगता है, अगर नो तो क्यों लगता है नो? दोनों को जस्टिफाई करने की कोशिश करें, सेट पे आंसर कर दें, बेशक कोई मसला नहीं, प्राइवेटली हर स्टूडेंट आंसर कर दें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो इसका आंसर कर दें कि क्या ये एजेंट जो है वो रैशनल है? अगर आपको लगता है तो क्यों है, अगर लगता है आपको कि रैशनल नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक है, एक स्टूडेंट ने तो आंसर दे दिया जो उनको लगता था सही है, बाकी भी अपना इनपुट दें। जल्दी जल्दी इनपुट देते हैं, इस तरीके से तो आधी क्लास से आप लोग इनपुट के चक्कर में ही मेरी निकल जाएगी। हमजा रीजन रीजन भी दो प्राइवेट चैट में। चले जी, जल्दी जल्दी दे दें, 27 रिस्पॉन्सेस। जो स्टूडेंट्स बाकी हैं जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दे दें, मैं इसको कंटिन्यू करूं इसके ऊपर डिस्कशन को। क्वेश्चन मैंने ये किया था कि ये जो हमने वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड का सिनेरियो एक छोटा सा डिस्कस किया, इस सिनेरियो को देखते हुए आपको अगर जो रैशनैलिटी की डेफिनेशन हमने लास्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन में भी पढ़ी थी, ठीक है, तो उसके लिहाज से क्या ये एजेंट रैशनल है या नहीं है?
मैंने ये पूछा है। तो जो रिस्पॉन्सेज अभी सबके आ जाए तो उसके बाद फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि क्या है ये, उसका रीजन रीजन भी चाहिए, है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। चलें, जितने स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स दिया और ज्यादातर का यही कहना है कि रैशनल है, ठीक है, और उन का कहना इस वजह से है, वो कहने के एक्शन कुछ का ये कहना है कि रूल्स स्पेसिफाइड हैं, कुछ का ये कहना है कि जो भी टास्क उसको असाइन किया है वो टास्क कंप्लीट हो रहा है इसलिए वो रैशनल है। मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिहाज से डिफरेंट स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये रेशनल रेशनल है। अच्छा जी, मेरे लिहाज से रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है सबसे बड़ा कि ये टू एंड फ्रो बेसिकली क्या कर रहा है, ये टू एंड फ्रो डर्ट को चेक कर रहा है। रेस्ट सिनेरियो को मैं देखूं, जो मैंने सिनेरियो बोला कि ये एजेंट बेसिकली दो रूम्स उनको क्लीन कर रहा है, ठीक है, और अगर एक रूम क्लीन हो जाता है तो उसको ये पीरियोडिकली आफ्टर 6 आवर, आफ्टर 1 डे या आफ्टर 1 आवर, जो भी कंडीशन हम रखें, जो भी हम उसको रूल दें, उसके लिहाज से वो उसको आगे चेक करेगा, उसको क्लीन करेगा, ठीक है। तो ये एजेंट बेसिकली क्लीनिंग तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी जो स्टेप्स हैं उसकी कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है कि वो जो स्टेप्स हैं वो सारे रैशनल स्टेप्स हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि उसने जो क्लीनिंग का प्रोसीजर, जो भी मेथड अप्लाई किया हो, जिस तरीके से भी उसने रूम को क्लीन करने की कोशिश की हो, उससे बेहतर और उससे आसान तरीके और उससे इफेक्टिव वे रैशनली पॉसिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनैलिटी इस सिनेरियो के अंदर, रैशनैलिटी इस एजेंट की अंदर नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली अपने टू एंड फ्रो चेक कर रहा है और डर्ट जहां मिल रही है वहां सक करके वहां पे स्टॉप हो जाता है, खत्म। थर्ड इसका कोई काम ही नहीं है, इसमें कोई रैशनैलिटी या कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, किसी भी चीज को अगर हमें चेक करना हो कि वो रैशनल है या नहीं है, तो उसके लिए चार चीजें होती हैं, चार कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर तो वो किसी चीज में अवेलेबल है तो वो रैशनल है, अगर उसमें नहीं है तो वो रैशनल नहीं है। फर्स्ट थिंग, परफॉर्मेंस मेजर। परफॉर्मेंस मेजर बेसिकली क्या होता है कि सक्सेस क्राइटेरिया, कि मैं किस कंडीशन में कहूंगा कि सक्सेस क्राइटेरिया है, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन को देखते हुए तो हम अपने जो पिछला एजेंट है, जिसकी हमने वैक्यूम क्लीनर की बात करी, वो रैशनल है। सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं, एजेंट्स प्रियर नॉलेज, ठीक है, यानी एजेंट की जो उसने एक रूम को ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, फर्स्ट टाइम तो जाहिर सी बात है उसको वो एनालाइज करेगा, उस रूम के लिहाज से वो बेस्ट पॉसिबल वे बेसिकली डिवाइस करने की कोशिश करेगा कि मैं किस तरीके से इस रूम को क्लीन करूं कि वो इफेक्टिव वे हो, ठीक है। उसके लिए वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स होंगे जिनको वो यूज करेगा, डिफरेंट रूल्स होंगे उनको वो यूज करेगा, ठीक है। लेकिन बस उसने उस रूम को विजिट कर लिया तो उसके पास उसका मैप आ गया, नेक्स्ट टाइम क्या वो उसी मैप को यूटिलाइज कर रहा है उस रूम को क्लीन करने के लिए, तो ये पॉइंट बेसिकली मिसिंग था अगर हम अपने वैक्यूम क्लीनर वाले एजेंट की बात करें। एक्शंस उसमें भी थे, क्लीन करना था, डर्ट है तो क्लीन करो, क्लीन है तो कुछ भी ना करो। परसेप्ट सीक्वेंस भी थी, परसेप्ट सीक्वेंस के बगैर तो ऑब्वियसली आपका एजेंट काम ही नहीं करेगा, क्योंकि एक्शन और परसेप्ट सीक्वेंस दोनों आपस में रिलेटेड हैं। और परसेप्ट सीक्वेंस क्या थी कि रूम को ऑब्जर्व करना बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द सेंसर्स। तो बेसिकली एक पॉइंट नहीं था जो कि एजेंट्स प्रियर नॉलेज है। तो वो एजेंट जिसकी मैंने एग्जाम्पल दी है, जिसकी मैंने बात करी या हमने बात करी, वो एजेंट बेसिकली अपनी प्रियर नॉलेज को यूज नहीं कर रहा था, इस वजह से सिर्फ वो रैशनल नहीं था, अदरवाइज उसमें सक्सेस क्राइटेरिया भी था, ठीक है, और एक्शंस भी थे,
परसेप्ट सीक्वेंस भी थी। तो किसी भी चीज को अगर आप रैशनल चेक, उसके रैशनैलिटी चेक करना चाहे, तो ये चार बेसिकली प्रॉपर्टीज कह लें या चार स्पेसिफिकेशंस कह लें या चार पॉइंट्स कह लें, इनको आप चेक करेंगे। अगर वो किसी चीज में है तो वो रैशनल है, अगर वो नहीं है तो वो रैशनल नहीं है। सिंपल इज डैट। एक बात क्लियर है, अब समझ आ गया कि क्यों वो नहीं है और रैशनल। अगर आपने नॉलेज बेस में डाला है तो फिर होगा, तो क्या उसमें नॉलेज बेस की तो बात ही नहीं थी ना, कायनात उसमें तो नॉलेज बेस का कोई तस्करा ही नहीं था, मेमोरी का तो कोई तस्करा ही नहीं था ना, मैंने बात करी थी डिस्कशन करते हुए। हाँ, अगर उसको नॉलेज बेस में फीड कर दिया जाए और उस नॉलेज बेस से वो उन रूल्स को या उस चीज को स्टोर कर रहा हो या सेव कर रहा हो और उसको फिर रीयूटिलाइज कर रहा हो, देन दैट एजेंट इज रैशनल एजेंट, फिर वो रैशनल होगा ऑब्वियसली। बाकी जो तीनों क्राइटेरिया उस पे है, ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक? जैसे किसी को इत्तेफाक नहीं है मेरी बात से तो वो क्वेश्चन कर सकता है, कोई मैं उसके ऊपर कोई फाइन नहीं लगाऊंगा। अगर किसी को लगता है, हो सकता है किसी को लगता हो कि नहीं सर आपको इस तरीके से चीज को सोचें तो ये हो सकता है, तो मे बी डेट इज ऑल्सो पॉसिबल। जैसे कायनात ने एक पॉइंट रेज किया नॉलेज बेस वाला, कि अगर नॉलेज बेस वाला अगर हो जाए फीड तो फिर उससे हो जाए। प्रियर एग्जाम्पल का मतलब यही है कि दूसरी एग्जाम्पल क्या सर, इको हो रही है, एक माइक, मल्टीपल माइक्स अगर है तो एक माइक ऑन करो, उससे क्वेश्चन कर लो या चैट पे कर लो, चैट पे आंसर दे, चैट पे जो भी क्वेश्चन करोगे उसको मैं पढ़ के आपका अकॉर्डिंगली आंसर कर दूंगा। अच्छा जी, प्रियर नॉलेज की एक और एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत आसान एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे मैं रहता हूँ गुलशन इकबाल में, मिसाल के तौर पे, असल में मैं नहीं रहता भाई, ठीक है ये मत समझना, मैं गुलशन इकबाल में मिसाल के तौर पे रहता हूँ और मुझे नॉर्थ नाजमाबाद वाले कैंपस में जाना है, यूनिवर्सिटी के पीएफ किट के मेन कैंपस आना है। फर्स्ट टाइम मैं गया, रास्ता ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते यहाँ पे गूगल मैप को यूज करते हुए गया और मैंने देखा कि भाई ये रास्ता है, यहाँ से मुझे कारसास जाना है, कारसास से मुझे शारह फैसल जाना है, शारह फैसल से मैं कयूमाबाद साइड जाऊंगा और वहां से मैं करूंगी क्रॉसिंग वाला जो ब्रिज है उसको क्रॉस करते हुए कोरकी क्रीक पहुंचूंगा, वहां पे राइट हैंड साइड पे ये कैंपस होगा भाई पीएफ किट का, ठीक है ये मैं पहुंच गया। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम रिविजिट करूंगा उस जगह को तो अब मेरे माइंड में उसका मैप है, अब मुझे गूगल मैप भी देखने की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी से एड्रेस पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो जितनी भी मैंने फर्स्ट टाइम सर्चिंग करनी थी, जितने भी फर्स्ट टाइम मैंने वेज डिवाइस करने थे वो मैंने कर लिए, नेक्स्ट टाइम अब मैं उस पाथ को जस्ट फॉलो करके अपनी लोकेशन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। ये प्रियर नॉलेज का यूटिलाइजेशन, यहाँ पे एजेंट ह्यूमन एजेंट है। अच्छा, अब एक और चीज भी हो सकती है कि कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट करता हो और आपने उस शॉर्टकट को एक्सप्लोर ना किया हो, ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जिस भी आप वे में होते हैं तो वहां पे मल्टीपल शॉर्टकट्स होते हैं। इस तरह अगर आपको शारह फैसल जाना है ये यूनिवर्सिटी रोड से, ठीक है, तो ताइ रोड के पास कोई एक स्ट्रीट है तो उससे एक शॉर्टकट निकलता है, वो मेरे दोस्त को पता है, मुझे नहीं पता, वो बताता है। खैर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो उससे आप डायरेक्टली विदाउट फेसिंग एनी ट्रैफिक तो आप गली गली से अंदर अंदर से आप पहुंच जाएंगे, मेन सारा आप जो तारिक रोड का एरिया है पूरा कमर्शियल एरिया वो आप क्रॉस कर लेंगे, जो कि एक ट्रैफिक होता है जहाँ पे। अब तो खैर वो इम्प्रूव हो गया है, अंडरपासेस बन गए हैं तो वो चीज ऑलरेडी रेजोल्यूट हो गई है, लेकिन पहले ये एक ऑल्टरनेट वे था, ठीक है, जो कि शायद गूगल मैप भी आपको नहीं देता या गूगल मैप भी शायद आपको नहीं पता था, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन थी, ठीक है। तो खैर वो सर्चिंग की बात थी वो तो, लेकिन खैर प्रियर नॉलेज यूज करना क्या होगा फिर सिनेरियो में, कि आपने अगर कोई नई चीज अपडेट हुई इन्फॉर्मेशन तो आपने अपने नॉलेज बेस में उसको इम्प्रूव कर लिया, ठीक है। तो नॉलेज बेस को मेंटेन करने का या मेमोरी को मेंटेन करने का ये फायदा है कि अगर आपने एक दफा सफाई करी मिसाल के तौर पर एक जगह की या एक काम किया आपने, ठीक है, एक लेक्चर मिसाल के तौर पर आप बनाया या प्रेजेंटेशन बनाई आपने किसी कोर्स के लिए, अगर फर्स्ट टाइम बनाई होगी जब पहले कोर्स के लिए, तो उस प्रेजेंटेशन को आज अगर आप देखेंगे तो आप उसमें खुद बहुत सारे एरर्स फाइंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें सीख ली बाय द एंड ऑफ टाइम और या बाय दिस टाइम, और अब आप उसको उस लिहाज से मैप कर सकते हो
जितने भी आपकी नॉलेज थी या नॉलेज बेस है आपका, जो माइंड में है, रूल्स आ गए, इफेक्ट्स आ गए, उसके लिहाज से अब आप उसमें नई चीजें डालोगे। तो इस ये काम अगर एजेंट करने लग जाए जो कि सिनेरियो स्पेसिफिक करते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोला कि नहीं करते, तो वो एजेंट सारे रैशनल एजेंट कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी सबको? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो पूछ लीजिए। यहाँ पर रैशनल एजेंट की डेफिनेशन इन वर्ड्स भी बेसिकली आ गई, ठीक है, कि रैशनल एजेंट होता क्या है। अब ये बुक की डेफिनेशन है, मैंने तो अपने वर्ड्स में उसको डिस्कस कर लिया, ठीक है, अगर आप बुक वाली डेफिनेशन को देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर ईच पॉसिबल परसेप्ट सीक्वेंस अ रैशनल एजेंट शुड सेलेक्ट एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू मैक्सिमाइज इट्स परफॉर्मेंस मेजर बेस्ड ऑन द एविडेंस provided by the percept sequence and whatever built-in knowledge the agent has. जितने भी discussion करी है उसका खुलासा यही है, ठीक है, कि rational agent basically जो possible percept sequence होंगी उसमें से उस percept sequence या उस set of actions को लेगा जिससे वो अपना performance measure जो उसका goal है उसको वो जल्दी से जल्दी achieve कर सके, ठीक है, और उसकी knowledge में अगर कोई चीज है built-in तो उसको वो यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर चलना या साइकिलिंग करना या बाइक राइड करना, अगर उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए डिफरेंट वेज हैं तो उसमें से वो बेस्ट वे वो लेगा जो उस कंडीशन के लिहाज से अच्छा है। मिसाल के तौर पर अगर कहीं ट्रैफिक जैम है तो वहाँ उस ट्रैफिक जैम सिचुएशन लोकेशन के पास आपने जाना है तो वहाँ पे हो सकता है आपके लिए बाइक या मोटरसाइकिल से बेहतर सॉल्यूशन बाय वॉक हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो उस सिनेरियो के अंदर रैशनैलिटी होगी कि आप बाय वॉक जाए, ठीक है, तो अगर आपका एजेंट या रैशनल एजेंट ऐसा काम करने कर सकता है तो डेट एजेंट इज बेसिकली रैशनल एजेंट। ठीक है, ये तो खैर बहुत स्पेसिफिक सिनेरियो है, अनसर्टेन सिनेरियो है, लेकिन डेट इज आल्सो एन एग्जांपल। ठीक है, परफॉर्मेंस मेजर, उसकी भी डेफिनेशन आ गई, वैसे तो इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन फॉर सक्सेस ऑफ एन एजेंट्स बिहेवियर, के वो स्टेप्स जिससे आप बेसिकली अपने एजेंट की सक्सेस को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, जो कि गोल हो सकता है, या अगर कोई चीज सर्च करनी तो वो चीज सर्च करके उसको फाइंड, उसको लाना या उस तक पहुंचना, ये भी एक सक्सेस क्राइटेरिया हो सकता है। तो डिफरेंट कंडीशंस के लिहाज से आपका ऑब्जेक्टिव चेंज होगा, आपका सक्सेस क्राइटेरिया चेंज होगा, लेकिन अगेन रैशनल एजेंट आपको सक्सेस क्राइटेरिया को मीट करने की कोशिश करेगा, दैट इज व्हाई इट्स रैशनल एजेंट। जिस तरह यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर की एग्जाम्पल दी हुई है, ये परफॉर्मेंस मेजर वैक्यूम क्लीनर का क्या होगा, अगर वैक्यूम क्लीनर की बात करें, अमाउंट ऑफ डर्ट क्लीन ये उसका परफॉर्मेंस मेजर है, अमाउंट ऑफ टाइम टेकन ये उसका परफॉर्मेंस मेजर है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, अमाउंट ऑफ नॉइज जनरेटेड, क्योंकि ऐसी बात है वैक्यूम क्लीनर चलता है तो उसका एक उसकी एक नॉइज भी होती है, तो नॉइज पॉल्यूशन भी एक टाइप की बेसिकली एक परफॉर्मेंस मेजर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन जिस एनवायरनमेंट में ऊपर वो काम कर रहा है, ठीक है, या जिस एनवायरनमेंट उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है वहां पे। ये वैसे ही बात है, रैशनैलिटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओमनीसाइंस ऑल नोइंग विद इनफाइनाइट नॉलेज। रैशनैलिटी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपके एजेंट के अंदर आप सारे रूल्स फिट कर दें, ऑल पॉसिबिलिटीज फिट कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑल पॉसिबिलिटीज आपको खुद नहीं पता होती, तो अगर आपको खुद नहीं पता तो आप उस चीज को मॉडल भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप रैशनल एजेंट की बात करें तो रैशनल एजेंट का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा एजेंट होगा कि वो हर काम कर सकता होगा और हर तरीके से उस गोल को पहुंच जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऑब्वियसली देयर आर सम लूप होल्स जो कि उसमें रहेंगे और बाय द टाइम उसको इम्प्रूव कर सकता है आप ये कह सकते हैं, लेकिन जब भी वो नई चीज ओपन करेगा, नया चैलेंज ओपन करेगा तो उसके लिए बाकी जो न्यू पेजेस या न्यू चैलेंजेस ओपन हो जाएंगे। यानी मिसाल के तौर पे आप ये बोलें कि पहले के दौर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो भी लोगों की जिंदगी गुजरती थी, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद उसको उसके दूसरे चैलेंजेस ओपन हो गए, इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लक्चुएशन है या सप्लाई है उसके ऊपर अलग इश्यूज हैं, इस तरीके से टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं लेकिन उसके भी अपने चैलेंजेस हैं, हेल्थ के अलग चैलेंजेस हैं, डिफरेंट अलग चैलेंजेस हैं, एक्स वाई जेड। तो इसी तरीके से रैशनैलिटी का भी यही है
रैशनैलिटी का मतलब ये नहीं होता आपके एजेंट के पास इनफाइनाइट नॉलेज आ जाए और वो सब कुछ जानता है और सब काम कर सकता है, ऐसा नहीं है। बल्कि एजेंट बेसिकली जो भी आपका रैशनल एजेंट होगा वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन आपका जो भी इन्वायरमेंट होगा या जिस भी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में आपने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ होगा उस इन्वायरमेंट से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, उसको वो एक्सप्लोर करेगा, उसके लिहाज से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। एक और टाइप होती है एजेंट की जो कि ऑटोनॉमस एजेंट होते हैं, जो कि अपने एक्सपीरियंस से खुद लर्न करते हैं और अडेप्ट करते हैं और नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करते हैं। मिसाल के तौर पे ह्यूमंस आर ऑटोनॉमस इन नेचर, ठीक है, ऑटोनॉमस समटाइम्स कह सकते हैं, हर कंडीशन में तो ह्यूमंस भी ऑटोनॉमस नहीं होंगे मेरे हिसाब से तो, लेकिन कुछ हद तक कुछ कंडीशंस के अंदर एजेंट्स जो ह्यूमंस होते हैं वो भी ऑटोनॉमसली बिहेव कर रहे होते हैं और जो उन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ उससे वो लर्न करते हैं, अडेप्ट करते हैं और काम करते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जाम्पल यू ले लेते हैं कि आपने कोर्स पढ़ा, ठीक है, और उस कोर्स के अंदर आपका किसी भी वजह से एफ आ गया, ठीक है, अब आपने सीख लिया कि मैंने ये मिस्टेक्स की थी, एक्स वाई जेड मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से मैंने इस कोर्स के अंदर अच्छा ग्रेड नहीं लिया और मैं मेरा एफ आ गया। तो आपने क्या किया, आपने लर्न किया, अडेप्ट किया और नेक्स्ट टाइम अब आप क्या करोगे कि जो उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर एजेंट्स के अंदर भी ये कैपेबिलिटी आ जाए कि वो अपनी बिल्ट इन नॉलेज जो उनको नॉलेज बेस है उनका या मेमोरी है उसको यूज करते हुए सेल्फ लर्न करना शुरू कर दें तो डेट एजेंट बेसिकली इज ऑटोनॉमस एजेंट, ठीक है। ये भी एक टाइप है एजेंट्स की, ऑटोनॉमस एजेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट करते हैं, हार्डवेयर में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हमने वो डायनेमिक्स के जो बॉट्स देखे थे, रोबोट डॉग थे और दूसरे डॉग और दूसरे रोबोट्स, तो वो लर्न कर रहे थे, उसके लिहाज से उसको अपने आप को अडेप्ट भी कर रहे थे, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम पे वो स्लिप हो गया बनाना से, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो उसको थोड़ा देख के चलेगा, इस तरीके से आहिस्ता 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 वो इन चीजों को लर्न करेगा। जिस तरीके से हम भी जब चल रहे होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, तो हम भी शुरू शुरू में गिरते हैं, खड़े होते हैं, गिरते हैं, खड़े होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम हम लोग चलना सीख लेते हैं। सिमिलरली अगर हम कोई चीज सीखना चाहते हो तो स्टार्टिंग में हम लोग हमेशा बेसिकली कह लें बिगनर होते हैं, देन आहिस्ता 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 नोवाइस बनते हैं और उसके बाद फिर एक्सपर्ट बन जाते हैं, ठीक है। रैशनल एजेंट को खुद फीड कराना पड़ता है, खुद फीड कराने के लिए आप सेंसर्स यूज करते हैं, खुद फीड हर चीज को खुद फीड नहीं कराएंगे, आप सेट ऑफ रूल्स दे देते हैं, सेट ऑफ सेंसर्स दे देते हैं, उसके लिहाज से वो अपनी एनवायरनमेंट को खुद ऑब्जर्व कर रहा होता है। अगर आप खुद सब कुछ करेंगे तो मैन्युअली तो फायदा आपके एजेंट का, ठीक है, तो आप उसको सेट ऑफ रूल्स फीड कर देते हैं, सेट ऑफ रूल्स दे देते हैं, कोई भी एजेंट हो चाहे वो रैशनल हो नॉन रैशनल हो, उसके लिहाज से फिर वो खुद उस चीज को करता है। अगर वो ऑटोनॉमस एजेंट है, इंटेलिजेंट एजेंट है, तो वो कुछ ना कुछ उससे लर्न करेगा और उससे फिर काम करेगा। ऑटोनॉमस कैसे हुआ, नॉर्मल रैशनल एजेंट ऑटोनॉमस नहीं होता, रैशनल एजेंट तो ये होता है कि वो अपने गोल की तरफ कोशिश करेगा, मैं ऐसी परसेप्ट सीक्वेंस यूज करूं जिससे मैं पहुंच जाऊं गोल पे, लेकिन उस गोल तक पहुंचने की सीक्वेंस को उसने लर्न किया या अडेप्ट करा या उसको वो नेक्स्ट टाइम जब उसको रिविजिट कर रहा है, उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर रहा है, तो वो उस अपनी मेमोरी को या जो पास्ट एक्सपीरियंस है अगर उसको यूटिलाइज कर पा रहा है, ठीक है, और उसके लिहाज से उसके एक्शंस भी इम्प्रूव हो रहे हैं, तो वो ऑटोनॉमस होगा। रैशनल एजेंट अपनी प्रीवियस प्रियर मेमोरी को तो यूज कर रहा होता है लेकिन वो अडेप्ट नहीं कर रहा होता, उसने लर्न तो कर लिया होता कि मैंने इस रूम को भाई चार स्टेप्स में मैंने मिसाल के तौर पर इस रूम को क्लीन किया था, तो मैं फिर हमेशा चार स्टेप्स में इसको रूम को क्लीन करता रहूंगा, ठीक है। अगर तो वो अडेप्ट कर रहा है, लर्न कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, हो सकता है वो चार स्टेप्स के बजाय तीन स्टेप्स में भी रूम क्लीन करना पॉसिबल होगा, ठीक है, तो वो ऑटोनॉमस एजेंट होगा। अगर तो ऑटोनॉमस एजेंट रैशनल एजेंट इटसेल्फ होता है बाय डिफॉल्ट, यानी रैशनैलिटी उसके अंदर बिल्ट इन होती है, तो वो रैशनल भी होगा और लर्न भी कर रहा होगा और उसके लिहाज से अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहा होगा जो भी उसका सिनेरियो जो भी दिया होगा उसको, ठीक है, क्लियर है अली। अच्छा जी,
अब आगे बात कर लेते हैं PEAS. PEAS बेसिकली क्या है, जब हम इंटेलिजेंट एजेंट या ऑटोनॉमस एजेंट्स को डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम उनके लिए टास्क एनवायरनमेंट स्पेसिफाई कर रहे होते हैं. टास्क एनवायरनमेंट बेसिकली वो एनवायरनमेंट होता है जिस एनवायरनमेंट के अंदर हमारा एजेंट काम करेगा या हमारा एजेंट बेसिकली परफॉर्म करेगा. ऐसे एनवायरनमेंट को टास्क एनवायरनमेंट कहा जाता है. तो हमारे जितने भी एजेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं, उनका हम टास्क जब उनको हम उनको डिजाइन कर रहे होते हैं या रैशनल एजेंट्स होते हैं उनको हम डिजाइन कर रहे होते हैं, तो हम उनका टास्क एनवायरनमेंट स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है, टास्क एनवायरनमेंट में चार चीजें होती हैं, उन चार चीजों को देखते हुए हम टास्क एनवायरनमेंट को हमेशा स्पेसिफाई करते हैं. डेट इज PEAS. ठीक है, परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स, सेंसर्स. परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा, यानी सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा, एनवायरनमेंट क्या होगा. ठीक है, एनवायरनमेंट को हम लोग डिटेल में आगे भी और भी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, इंशाल्लाह आज के लेक्चर में ही आ जाएगा वो, आई होप सो. इस तरीके से एक्चुएटर्स और देन फाइनली सेंसर्स. तो ये बेसिकली आपका कह लें ये चार क्राइटेरियाज हैं जिनकी मदद से आप टास्क एनवायरनमेंट किसी भी एजेंट का सेट करते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे टैक्सी ड्राइवर ले लेते हैं. अभी टैक्सी ड्राइवर ऑटोनॉमस टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, यहाँ पे बाय द वे. तो अगर एक टैक्सी ड्राइवर है तो उस टैक्सी ड्राइवर का परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा. परफॉर्मेंस मेजर ये हो सकता है कि वो सेफ राइड दे आपको, फास्ट राइड दे, आपके रूट पे आपको टाइमली पहुंचाए, लीगल राइड हो, यानी ये ना हो कि ओवरटेकिंग कर रहा हो और नॉन लीगल वे से आपको वो आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाए, कंफर्टेबल ट्रिप हो, आगा प्रॉफिट मैक्सिमम हो. मैक्सिमम प्रॉफिट इस सेंस में कि टाइम कॉस्ट दोनों फैक्टर्स आ गए. एनवायरनमेंट क्या होगा, अगर टैक्सी ड्राइवर या ड्राइवरलेस कार की बात करें तो रोड्स, जो इन रोड के ऊपर वो चलेगा, ठीक है, दूसरे ट्रैफिक जिसको वो ऑब्जर्व करेगा कि मैं उनसे हिट ना हो जाऊं, मैं जाके उनमें हिट ना कर दूं, ठीक है, एंड पेडेस्ट्रियंस या कस्टमर्स. पेडेस्ट्रियन वो लोग होंगे जो रोड के ऊपर चल रहे होते हैं और कस्टमर जो कि उसकी टैक्सी के अंदर खुद बेसिकली पार्ट है उस टैक्सी का, ठीक है, जो कि राइड ले रहे हैं. ठीक है, तो पेडेस्ट्रियंस का भी ख्याल रखना, ये नहीं कि पेडेस्ट्रियंस को उड़ाते हुए चला जाए वो, जैसा कि कुछ टाइम पहले ये हुआ था कि वो एक ब्लैक पर्सन था और वो काफी डार्क रोड था और जेब्रा क्रॉसिंग के बजाय कहीं और से शायद क्रॉस कर रहा था, जेब्रा क्रॉसिंग से शायद क्रॉस कर रहा था, उसने अपर भी ब्लैक पहना हुआ था, सब कुछ ब्लैक था, तो ड्राइवरलेस कार ने उसको सेंस नहीं कर सका, उसने उसको हिट कर दिया. ठीक है, जिसकी वजह से ड्राइवरलेस कार्स के ऊपर केस हो गया और उनको बैन कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए. फिर गलती खैर उसमें ड्राइवरलेस कार की भी थी, मतलब उसके सेंसर्स की भी थी जो उसके मैन्युफैक्चरर्स थे, और उसमें उस बंदे की भी थी, तो उसकी जो ड्रेसिंग थी वही इतनी ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो डिटेक्ट ही ना हो सके, उसको आम इंसान ना देख सके, तो वो तो बेचारी फिर ड्राइवरलेस कार थी. तो इस तरीके से पेडेस्ट्रियंस को हिट ना कर दे, पेडेस्ट्रियंस को खत्म ना कर दे, देख के मतलब ड्राइव हो. ठीक है, एक्चुएटर्स बेसिकली मूविंग पार्ट्स अगेन, तो इस सिनेरियो के अंदर स्टीयरिंग होगा, व्हील होगा, एक्सेलरेटर होगा, ब्रेक होगा, सिग्नल होगा, हॉर्न होगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी जिनसे मिलके बेसिकली ये आपकी जो कार होगी या जो भी चीज है जो आपका एजेंट बेसिकली काम कर रहा होगा. इस तरीके से सेंसर्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल कैमरा, सोनार, स्पीडोमीटर, GPS, ऑडोमीटर, इंजन सेंसर्स, कीबोर्ड वगैरह एक्सेट्रा. तो ये बेसिकली आप किसी भी एजेंट को जब स्पेसिफाई कर रहे हो, ठीक है, या इंटेलिजेंट एजेंट को स्पेसिफाई कर रहे हो, तो उस वक्त हम लोग परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर और सेंसर की हेल्प से बेसिकली उसका टास्क एनवायरनमेंट डिवाइस करते हैं कि किस टाइप के एनवायरनमेंट में ये एजेंट बेसिकली बिहेव करेगा या काम करेगा या किस टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर इसकी एप्लीकेशन है. ठीक है, इस तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम. मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम का अगर एजेंट है तो उसके परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा कि क्या उस जो एजेंट है उससे जो पेशेंट्स बेसिकली
जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्या वो हेल्दी होके जाते हैं या नहीं? ये तो नहीं कि उनको ऐसी मेडिसिन सजेस्ट करता है जिसके बाद वो अल्लाह को ही प्यारे हो जाते हैं। ठीक है, मिनिमाइज कॉस्ट ऑब्वियसली, कि ऐसी मेडिसिन, ऐसी थेरेपी बेसिकली सजेस्ट करे जो कि इफेक्टिव हो। और लॉ सूट्स, कि मेडिकल के भी लॉ सूट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, कि मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए या कौन कौन ऑथोराइज्ड हो एक्स वाई जेड, तो ऐसी चीजें वो बेसिकली प्रपोज करे। इन्वायरमेंट, पेशेंट, हॉस्पिटल स्टाफ, ठीक है, और एक्चुएटर्स, डिस्प्ले स्क्रीन, क्वेश्चन आंसर्स, जो वो उससे आपके जो पेशेंट होगा उससे करेगा। इसी तरीके से सेंसर्स, कीबोर्ड फॉर एंट्री ऑफ सिम्टम्स, फाइंडिंग, जो एजेंट ने फाइंडिंग करी उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मेडिकल डायग्नोस सिस्टम है, इसके अलावा भी हो सकते हैं कुछ, इसमें आप लोग एडिशन भी कर सकते हो या कोई और बंदा इसमें एडिशन भी कर सकता है, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे PAAS को डिफाइन किया है। ठीक है, तो डिफरेंट एजेंट के लिहाज से, जो भी उसके इन्वायरमेंट के अंदर चीजें होंगी उसके लिहाज से आप चीजें बेसिकली स्पेसिफाई करेंगे इन शॉर्ट। ठीक है, मिसाल के तौर पर पार्ट पिकिंग रोबोट। ठीक है, पार्ट पिकिंग रोबोट का काम क्या होता है कि मूवेबल आर्म होती है, ठीक है, कनेक्टेड बाय अ सिंगल पॉइंट, और वो एक पॉइंट से एक कन्वेयर मोटर से उठा के दूसरे कन्वेयर मोटर पे, कन्वेयर मोटर से उठा के पैकिंग कर रही होती है। इस तरीके से बेसिकली वो काम कर रही होती है। पार्ट पिकिंग रोबोट ऐसे काम करता है। उसका परफॉर्मेंस मेजर क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ पार्ट पिक पार्ट्स इन करेक्ट बिन्स, यानी पार्ट पिक करके जो उसने करेक्ट बॉक्सेस में उसको डाला, या वो बेसिकली उसका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया या परफॉर्मेंस मेजर है, सक्सेस क्राइटेरिया है। इन्वायरमेंट, कन्वेयर बेल्ट है पार्ट्स के, उसके पार्ट्स कन्वेयर बेल्ट के, और बिन्स जिन बेसिकली बॉक्सेस के अंदर या बिन्स के अंदर उसने उसको डालना है। ठीक है, और एक्चुएटर्स का जॉइंट आर्म, जो कि एक मूवेबल आर्म होती है, एक सिंगल पॉइंट से कनेक्टेड होती है, और सेंसर उसका बेसिकली कैमरा सेंसर, जॉइंट एंगल सेंसर होता है, कि जो जिससे बेसिकली वो ये चेक करता है कि इसको अगर वेट को लिफ्ट करना है तो मुझे कितनी फोर्स से या कितने प्रेशर से उसको उठाना चाहिए। इसकी भी वीडियोस वगैरह अगर आप यूट्यूब पे लिख के सर्च करेंगे पार्ट पिकिंग रोबोट, तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, तो उससे आपको देख के और बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये बेसिकली काम कर रहा होता है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। मेडिकल डायग्नोस हम देख चुके हैं, पार्ट पिकिंग रोबोट हम देख चुके हैं, रिफाइनरी कंट्रोल है, इंटरेक्टिव ट्यूशन टीचर है, सैटेलाइट इमेज एनालिसिस है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि जो इमेज है वो सही करेक्ट इमेज मिल रही है। इसी तरीके से एनवायरनमेंट क्या है, डाउनलिंक फ्रॉम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो कि सराउंड कर रही है, ऑर्बिट कर रही है। डिस्प्ले ऑफ स्क्रीन, सीन कैटेगराइजेशन, एक्चुएटर्स हैं इसके, कलर पिक्सेल एरे, ये बेसिकली इसके सेंसर्स हैं जिसके थ्रू वो चेक कर रहा होता है। रिफाइनरी कंट्रोलर है तो प्योरिटी, कितने अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यील्ड हुए, ठीक है, निकाले गए, बरामद हुए, और सेफ्टी, जो जो सेफ्टी रूल्स हैं आइदर फ्रॉम गवर्नमेंट, आइदर फ्रॉम दैट फैक्ट्री स्पेसिफिक रिफाइनरी, तो उनको यूज किया कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, रिफाइनरी के ऑपरेशंस आपके एनवायरमेंट है, रिफाइनरी और उसके ऑपरेशंस, एक्चुएटर्स के वेल्व्स हैं, पंप्स हैं, हीटर हैं, डिस्प्ले है, सेंसर, टेम्परेचर, केमिकल सेंसर्स हैं, प्रेशर सेंसर्स हैं, सो ऑन। इस तरीके से टीचर है, इंटरेक्टिव इंग्लिश ट्यूटर है, जो कि एक एजेंट की टाइप है, तो उसमें स्टूडेंट का स्कोर टेस्ट में क्या आ रहा है। ठीक है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स और टेस्टिंग एजेंसी बेसिकली एनवायरनमेंट है। एक्चुएटर, डिस्प्ले ऑफ एक्सरसाइजेस है, सजेशंस है, करेक्शंस है, और सेंसर इसका कीबोर्ड है, एंट्री, जिससे वो स्टूडेंट या एजेंट को इनपुट देगा। तो ये PAS थे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और इन्वायरमेंट की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। या तो किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो पूछ लें। क्लियर है? ब्रेक चाहिए? अच्छा, ये मुझे बता दे कि मैं ब्रेक दे दूं या फिर क्लास जल्दी एंड कर दूं। दोनों में से दोनों ऑप्शन है, आप लोग की मर्जी है। ब्रेक, ठीक है, मुझे लग रहा है आज मैंने ज्यादा पढ़ा दिए।
अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं, फिर 10:20 तक रिकनेक्ट करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? 10:20 पे इंशाल्लाह फिर हम लोग रिस्टार्ट करेंगे और इन्वायरमेंट्स वगैरह को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो 10:20 तक ब्रेक है, ब्रेक से पहले एक अटेंडेंस दे दे, ब्रेक के बाद एक अटेंडेंस दे दीजिएगा, तो दो सेशन की अटेंडेंस हो जाएगी। अटेंडेंस दे दे मुझे जल्दी से चैट, और फिर लीव कर दे बेशक। यही, आफ्टर ब्रेक मिलते हैं फिर।